मैं एक्टिवा के पिछे बैठा सी जी, तो अगों आन के कार ने अगों टक्कर मारती, मेरा पैर कटिया गया। मैं नाल दे हॉस्पिटल फिरोजपुर ही लेके गया, उन्होंने मैनू कह दिता भी इंदा पैर कटना पऊगा जी। इतने मेरा ट्रीटमेंट किया जी, उन्होंने पैर मेरे थाई चो मास कट के उन्होंने पैर बनाया जी। तो उस तो बाद जी मैं 2 साल ऑन बैड रहा, उस दे नाल मेरी आईसाइट भी वीक हो गई और मैं थोड़ा जा मैंटली थोड़ा जा हो गया सीगा। तो जी मैं PGI आया, PGI ने इन्वेस्टिगेशन की, टेस्ट वगैरह करवाए, उन्होंने कहा भी चलो पैर टेढ़ा पैर सीधा हो जाएगा बट तुहानू लाठी का सहारा लेना पेगा। मेरा अपना ट्रीटमेंट तो PGI तो चल ही रहा सी, नाल दी नाल मेरे जीजा जी नू कैंसर सीगा, ते मेरे जीजा जी सी उन्हें डैथ हो चुकी। हम सफ़र का बड़ा अहम रोल होंगे है कि जो तुम इन्नी औखी घड़ी के लंघ रहे थे उदो उन्हों की भूमिका रही है थोड़ी जिंदगी दे विच? मैनू लाइफ का पता ही होने लग्या भी एक लाइफ पार्टनर की चीज़ होंदा जी। रोजाना स्पोक्समैन देख रहे तमाम दर्शकों का मैं शशव नागरा स्वागत करता दोस्तों। इस वक्त सिंगू बॉर्डर मौजूद हाँ, तो कोशिश रहती है कि इस अंदोलन के नाल जुड़िया हुई शख्सियतों दियाँ कहानियां तुहाडे तक पहुँचाइए। तो अज इत्थे किसान एकता मोर्चा जिहड़ा होस्पिटल है उत्थे दे जिहड़े डॉक्टर ने उन्हां दी कहानी लैके तुहाडे रूबरू हो रहे हैं। कहानी ये है कि डॉक्टर साहब का नाम हरजीत है, तो कुछ समा पहला किसी एक्सीडेंट के कारण 3 साल मंजे ते रहे ने। डॉक्टर ने इतों तक कह दिता सी कि तुसी कदे भी चल नहीं पावोंगे, पर हौसला नहीं छड्डिया, जिंदा दिली दे नाल लगे रहे, तो अज अपने पैरों पर भी चलते ने, ते नाल दी नाल लोकां दियां जिहड़ियां कीमती जानां ने वह भी बचा रहे ने। सब तो पहला स्वागत है। सत श्री अकाल जी। डॉक्टर साहब पहला मैं उत्थों ही शुरुआत करदा, जदों ये एक्सीडेंट तुहाडा किवें होया सी ते किन्ना टाइम तुसीं सरवाइव किया, वो कहानी पहला साडे दर्शकों नूं जरूर दस्सो। हाँ जी, मेरा एक्सीडेंट हो गया सी 2016 च होया सी जी। तो मेरा मैं एक्टिवा दे पिछे बैठा सी जी, ते अगों आण के कार ने अगों टक्कर मारती, मेरा पैर कटिया गया सीगा। और मैं नाल दे हॉस्पिटल फिरोजपुर तो मैं बिलोंग करदा, तो फिरोजपुर ही लेके गया, उन्होंने मैनू कह दिता भी इंदा पैर कटना पऊगा जी। तो मैं अपने दोस्तों नाल, मेरे डॉक्टर दोस्त सीगे, उन्हां नाल गलबात की, उन्होंने मैनू फिर कहा भी नहीं तुसी एक बारी अमनदीप हॉस्पिटल अमृतसर जाओ। तो असी उत्थे गए जी, उन्होंने भी कहता भी कोई हल नहीं हैगा, तुसी ये पैर ही कटना पैना, थोड़ा एम्पूटेशन करनी पैनी। असी उन्होंने रिक्वेस्ट की, मैं अपना दस्या मैं एज अ डॉक्टर हाँ जी, तो उन्होंने कहा भी असी कोशिश कर लें। चलो उन्होंने भी कोशिश की, बाकी परमात्मा का हाथ सीगा, तो मेरे फ्रेंड सर्कल ने मैनू उत्थे लेके गए जी। तो उत्थे मेरा ट्रीटमेंट किया जी, उन्होंने पैर मेरे थाई चो मास कट के उन्होंने पैर बनाया जी। तो उस तो बाद जी मैं 2 साल ऑन बैड रहा, 6 महीने तो मैं बिल्कुल रूम के अंदर रहा, ना मैनू बाहर का पता लगता सी मॉर्निंग हो गई आ जां नाइट हो गई आ, बस क्लॉक तो पता लगता सी। उस दे नाल मेरी आईसाइट भी वीक हो गई और मैं थोड़ा जा मैंटली थोड़ा जा हो गया सीगा, क्योंकि अंदर रहने दे नाल बड़ा बहुत कुछ सोचना पैंदा। उस तो बाद जी मुड़के मैनू जदों मैं चलन लग्या थोड़ा सा वाकर दे उपर, फिर असी अमनदीप हॉस्पिटल गए, उन्होंने कहा, वो करे भी कोई हल नहीं तुसी वाकर तो छुट जाएगा। फिर मेरी लत सुकनी शुरू हो गई नाल दी नाल ही, वो टेंडन कटे गए सी उस टाइम, तो उन्होंने कहा भी तुहाडे लाठी नहीं सुट सकती सारी उम्र के लिए। मैनू जी उन्होंने जवाब देता चलो भी जो सर्जरियाँ करनियां सी उन्होंने कर लिया। फिर मेरे दोस्त सीगे डॉक्टर, उन्होंने मैनू कहा तुसी एक बार PGI विजिट करो, PGI जाओ। तो जी मैं PGI आया, PGI ने इन्वेस्टिगेशन की, टेस्ट वगैरह करवाए, उन्होंने कहा भी चलो पैर टेढ़ा पैर सीधा हो जाएगा बट तुहानू लाठी का सहारा लेना पेगा जी। उत्थे मैं काफ़ी टाइम 3 साल उत्थे मैं जी, मैनू सर्जरी की डेट ही नहीं मिली, मैं जाता रहा, उन्होंने कहा नैक्सट वीक आ जाओ, नैक्सट हफ्ते बाद महीने बाद, मैं वाकर ते जाता रहा। और कई बार तो मेरे दोस्त लेके जाते रहे, कई बार फिर मैनू आप जाना पैंदा सीगा। तो मेरे जीजा जी सी वो भी उस टाइम बीमार हो गए। हाँ जी, मेरा अपना ट्रीटमेंट तो PGI तो चल ही रहा सी, नाल दी नाल मेरे जीजा जी नूं कैंसर सीगा, ते उन्हां दा भी नाल ट्रीटमेंट चला रहे सी, ते उन्हूं कैंसर दे करके जीजा जी बहुत ज़्यादा वीक हो चुके सन,
तो रोज़ रोज़ कोई भी नहीं लेके आता सी गड्डी वास्ते, असी फिर बस से आना करना जी हफ्ते बाद दस दिन बाद उन्होंने दौरान एक्सीडेंट होया उन्होंने भी नाल लेके आते जी। हाँ जी उन्होंने भी नाल लेके आते उन्होंने भी फिर ट्रीटमेंट इतों पी जी आई तो चलवाया वॉकर से चलते वॉकर से सी मैं वॉकर से लिया करना नाल फिर जीजा जी भी कई बार यहोजी सिचुएशन आनी कि जीजा जी तो चलिया ना जाना करना पी जी आई का टाइम थोड़ा हों उन्होंने किसी तरीके चक के जिदा भी लिजाया जाता किसी की हैल्प लेनी उन्होंने कहना भी प्लीज़ थोड़ा सानू अगे कर दो इतने तक छड़ दो ते काफ़ी स्ट्रगल किया। फिर मैनू मेरे अपने पैर बारे फिर डॉक्टर ने कहा भी जिन्ना कर सकते ठीक हो गए सी नहीं उन्हें डैथ हो चुकी साल। हाँ जी बस फिर मैं अपना ट्रीटमेंट मेरा फिर सर्जरियाँ हुई जी तो मैनू फिर डॉक्टर ने टाइम नहीं सी मिल रहा उन्होंने डेट नहीं सी दे रहे मैं तीन साल फिर मतलब कि कंटिन्यू हुई पी जी आई के धक्के खाधे जी पी जी आई मैं जाना करना हफ्ते बाद दसा दिन बाद फिर मेरी सर्जरी हुई मैं अपनी हिम्मत नहीं हारिया और मेरे परमात्मा ने भी और मेरे परमात्मा वर्गे दोस्त जिन्होंने मेरा साथ दिता काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मेरा साथ दिता तो हालांकि मेरे रिश्तेदार भी मेरे तो मूँह मोड़ गए सी ठीक है जी उन्होंने मेरा फोन चकना भी फोन करना भी बंद कर दिता कि इनू अज प्रॉब्लम दे विच है किस चीज़ की जरूरत है तो तुहानू पता ही है जी पर मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिता जी तो मैं आभारी हाँ मेरे दोस्तों का और मेरे परमात्मा का तो अज मैं अपने पैरों पर खड़ा मैं बहुत वधिया चल रहा जी मैं जॉब करना जी ठीक है मैं परमात्मा ने जो भी है। इस दौरान हम सफ़र का बड़ा अहम रोल होंगे है जो तुम इन्नी औखी घड़ी के लंघ रहे थे उदो उन्हों की भूमिका रही है थोड़ी जिंदगी दे विच क्योंकि तुसी दस्या तीन साल तुसी बैड ते रहे हो तो सारे केयर टेक उन्होंने करनी होंगी। हाँ जी उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिता जी मैनू लाइफ का पता ही होने लग्या भी एक लाइफ पार्टनर की चीज़ होंगे जी जिन्ना उन्होंने मेरा साथ दिता ठीक है जी उन्हें मैं हरेक ने परमात्मा हरेक दे विच ही वसया फ्रेंड दे विच वसया मेरे घरदियां विच वसया ठीक है जी मेरा बहुत उन्हें साथ दिता मैं ऑन बैड हुंदा सी टॉयलेट वॉशरूम वगैरह सब उत्थे मेरे करवाउंदे सी उन्होंने ही कर देंदे सी क्लीन जो भी है। परिवार दे विच होर कौन कौन है? मम्मी पापा है तो वाइफ है एक मेरा बेटा है एक छोटी बेटी है वह 6 मंथ दी है मैं परमात्मा तो उन्होंने मंग मंग के लिया मैं बेटी का मैं बहुत सीगा मैं एक्साइटेड सीगा मैं तो मेरी जद दी बेटी आई आ और मेरा पैर भी ठीक आ और मेरे इत्थे लत दे उपर फिक्सटर लगा होया सी लत ते जंगला जिन्हू कह देंदे जो वो आए आ मेरी बेटी का जन्म होया 10 दिन बाद मैनू जॉब भी मिल गई और मेरी लत भी ठीक हो गई मैनू डॉक्टर ने कहा सी शायद एक सर्जरी होर करनी पवे ये प्लस्तर खोलन तो बाद तो उन्होंने फिर टेस्ट किए वह कहते भी नहीं जरूरत नहीं है तुसी मतलब कि एक्सरसाइज करो तो तुसी चल सकते हुण मैं हुण वाकर भी नहीं ना मैं लाठी मैं अपने आप ही बिल्कुल ठीक चलदा चलो मेरे परमात्मा ने मेरे ते बहुत मेहर की जी। कहना चाहोगे क्योंकि साढ़े दर्शकों को तुहाडी कहानी दसण दा साडा जिहड़ा मकसद है वह ये है कि किस तरह जिंदा दिली दे नाल जिंदगी नूं अग्गे लैके चले हो तो अज लोगों के लिए मिसाल बन रहे हो कि जिहड़े लोग कई बार छोटी छोटी मुश्किलां कारण या कोई छोटी छोटी परेशानी कारण हौसला छड्ड जांदे ने उन्हां नूं की कहना चाहोगे? हाँ जी मैं उन्हां नूं कहना चाहवांगा इनपॉसीबल कुछ भी नहीं है जी स्ट्रगल करो ठीक है जी हौसला नहीं हारना चाहिए बंदे नूं स्ट्रगल करना चाहिए कुछ भी नहीं इनपॉसीबल है बंदा सब कुछ कर सकता जी मैं यही कहना चाहवागा जो मेरे वीर आ भैन आ ठीक है जी उन्होंने नर्वस नहीं होना चाहिए अपनी लाइफ तो नर्वस नहीं होना चाहिए और जो भी उन्होंने प्रॉब्लम है ठीक है जी वो स्ट्रगल करे वो प्रॉब्लम का हल निकलूगा जी और मैं भी यही किया मैं पूरा स्ट्रगल किया ठीक है जी जे मैं घर बैठ जाता शायद मैं अब वाकर से हों और ऑन बैड हों की पता की होना सी मैं हिम्मत नहीं हारी जी। सिंघू बॉर्डर हो तो किन्ने क मरीज़ हूँ तक थोड़े तो ओपीडी का या फिर किन्ने क मरीज़ों का मुफ्त इलाज इतने हल तक कर चुके? काफ़ी है जी डेली का मैं तुम दसा 100 to 150 पेशेंट असी देखते हैं जो इनडोर लेने ठीक है जी असी एडमिट भी करते हैं उन्होंने कई पेशेंट रोड साइड एक्सीडेंट भी आते हैं कार्डियक पेशेंट भी आते हार्ट अटैक के भी आते माइनर अटैक के भी आते उन्हों का फर्स्ट एड देता बिल्कुल ठीक परमात्मा की कृपा नाल असी इतने ठीक करके भेजते हैं जी पेशेंट संतुष्ट जाता साढ़े तो ट्रीटमेंट तो ठीक है जी। वो भी कोई समा सी कि आप बैड पर सी पर हौसला नहीं छड्या ते अज लोगों का इलाज कर? हाँ जी मैं कभी सोचा नहीं सी मैं जब बैड पर पै गया मैं सारे कहें बस ये लाइफ थम चुकी है मैनू भी लगता सी बट मैं जो बाहर निकलिया मैं स्ट्रगल किया ठीक है जी मैं अज अपनी लाइफ तो भी खुश हाँ जी मैं बहुत संतुष्ट हाँ और मैं पेशेंट नू यही कहना
और ना ही हाले तिकर मैं फिर पेशेंट नूं कदी काल पाया जी। पहला होर गल हुंदी सी, हुण बड़ी बहुत वधिया तरीके नाल ट्रीट करीदा जी उन्हां नूं। ठीक है जी, पेशेंस आ गई उस हालात देखण तों। हाँ जी, हाँ जी सर, पेशेंस। सो दोस्तों, अज दा मकसद यही सी कि इन्हां दी कहानी दस के साडे उन्हां दर्शकां नूं या देखण वाले लोकां नूं एक मैसेज दिता जाए कि जो छोटी छोटी मुश्किलां करके या परेशानियां करके हौसला छड्डे जांदे ने, पर जिंदगी दा नाम जिंदा दिली है तो उसनू जिंदा दिली नाल जिता जिया जाए तो वह वधिया रहिंदी है। तो उहदी मिसाल ने डॉक्टर हरजीत। सो इस उम्मीद दे नाल तुहाडे नाल जुड़े सी कि इस इंटरव्यू तो तुहानू कोई सीखण नू मिलेगा तो नाल दी नाल कोई मोटिवेशन मिलेगी। सो इसे मकसद नाल जुड़े सी, हुण आग्या लैने आ। तुसीं देख रहे सी रोज़ाना स्पोक्समैन, कैमरे दे पिछे मेरा साथ दिता मेरे सहयोगी शरद ने, मैं शशव नागरा, धन्नवाद।